सो गाइस, इस लेशन में हम लोग बात करेंगे रेड हैट में नेटवर्किंग कैसे करेंगे. नेटवर्किंग आई मीन कैसे आईपी असाइन करना है. और जैसा कि अगर आपने विंडो ऑपरेट किया, विंडो में नॉर्मली हम लोग आईपी असाइन करते हैं जो भी इथरनेट पोर्ट होता है. विंडो और लिनक्स में ऐसा नहीं होता है. लिनक्स के अंदर हमें इथरनेट पोर्ट बनाना रहता है, मतलब डिवाइस बनाना रहता है, कनेक्शन हमें बनाना रहता है, उसके बाद ही हम आईपी असाइन कर पाते हैं, राइट. इस चैप्टर में मैं आपको आईपी कैसे असाइन करना, कनेक्शन कैसे बनाना है, कैसे ऐप करना, कैसे डिलीट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस. तो आईपी एड्रेस असाइन करना, नेट मास्क है, गेटवे है और डीएनएस, ये चार चीज़ें हमें देनी रहती है. और अगर इसके सर्विसेज की बात करें हम लोग, तो इसकी सर्विसेज जो होती है, ये हमारी सर्विसेज होती है, राइट. सर्विसेज नेटवर्क, क्या क्या है सर्विसेज है नेटवर्किंग में. सिस्टम सीटीएल से हमें देना होता है, सिस्टम सीटीएल स्टेटस नेटवर्क्स डॉट सर्विस, ये होता है टू चेक द स्टेटस. सर्विस का स्टेटस क्या है, इनेबल है, डिसेबल है, चल रहा है, स्टार्ट है या स्टॉप है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं. और उसको स्टार्ट करना, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट कर दो आप. अगर उसको स्टॉप करना है तो आप सिस्टम सीटीएल स्टॉप कर दो. अगर उसे इनेबल करना है तो सिस्टम सीटीएल इनेबल कर दो. मतलब हमारा सर्विस का नाम क्या है, नेटवर्क डॉट सर्विस. इसी को हमें इनेबल, स्टॉप, रीस्टार्ट, ठीक है, स्टेटस, ये सारी हम कंडीशन इसकी चेक कर सकते हैं, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको. यहाँ पे क्या है, ETC सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क, राइट. तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जब हम नेटवर्क में आते हैं तो क्या करना होता है, आपको नेटवर्किंग जाकर यस कर देना रहता है. यहाँ पे नो रहता है, यस करके आप सेव करके बाहर आ जाओ, बस और कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है. ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं है तो करना है, अदरवाइज अगर ऑलरेडी यस है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब इस विम ETC सिस कॉन्फिग और नेटवर्क में जाकर देखिए, अगर ये नेटवर्किंग यस है तब तो कुछ नहीं करना है, अगर नो है तो यहाँ पे यस करके आप सेव करके बाहर आ जाना है, ओके. इसके बाद होस्ट नेम जो होता है, ETC होस्ट नेम, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको ETC में मिलेगा. ध्यान दें, इस डायरेक्टरी सर्विस को आपको ध्यान से इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखना रहेगा, इसके अंदर जाकर ETC में क्या क्या है, ठीक है. तो ETC होस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रहेगा विम ETC होस्ट नेम. आप वहाँ पे जाके होस्ट नेम को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है. होस्ट नेम डॉट डोमेन डॉट डोमेन नेम, आप चाहो तो वहाँ पे जाकर परमानेंट जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं ईशान डॉट, यहाँ पे सर्वर डॉट ईशान डॉट कॉम, ऐसा कुछ दे दिया हमने तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा. और नॉर्मली अगर चेंज करना है तो होस्ट नेम स्पेस जो भी देना है आप दे दीजिए डायरेक्ट से, बट वो टेम्प्रोरी रहेगा, परमानेंट नहीं रहेगा. परमानेंट जो भी आपको करनी है आपको विम में जाके करना रहेगा, विम एडिटर में जाके यहाँ पे चेंजेस करनी रहेगी, राइट. और उसके बाद यहाँ पे देखना है कंट्रोल करने के लिए इंटरफेसेस को, यहाँ पे ETC कॉन्फिग नेटवर्क स्क्रिप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी स्क्रिप्ट रहती है और यहाँ से इसकी कंट्रोलिंग क्या क्या है, ठीक है. और उसके बाद ये रिजॉल्वर फाइल होती है, यहाँ पे स्टोर होती है डोमेन नेम जो भी है, राइट. ये DNS सर्वर के लिए रहता है. अगर DNS IP आपको देना है रिजॉल्व करके, रिजॉल्व करना है तो DNS का IP, अगर DNS सर्वर है तो आप DNS IP डाल दीजिए, सेव करके बाहर आएंगे तो रिजॉल्व होने लगेगा. तो ये सारी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, कुछ कुछ को हमें देना रहता है, ज़्यादातर अपने आप इनेबल रहती हैं. और इसके बाद जो है आईपी एड्रेस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है. क्या आईपी एड्रेस चेक करने के लिए, एक होता है आईपी स्पेस ए, ये लेटेस्ट कमांड है, या इफ कॉन्फिग होता है, राइट, या आईपी एड्रेस IP ADDR, ये तो तीन तरह से हम चेक कर सकते हैं आईपी चेक करने के लिए, एक दो और तीन कमांड आप नोट डाउन कर लीजिए इसको. और IP ADDR करके इंटरफेस नेम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी हमारा इंटरफेस नेम होता है डिवाइस नेम, जो इथरनेट या इनो करके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर वर्चुअलाइजेशन में अगर आप कर रहे हैं तो इनो करके रहेगा, इनो, ठीक है. तो उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, राइट. तो ये है आईपी रूट से, यहाँ पे राउटिंग इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट. ये सभी कॉन्फ़िगरेशन है नेटवर्किंग की, हम एक एक करके आपको दिखा देंगे.
स्पेशली हमें मेन क्या फोकस करना रहेगा, आईपी, और सबसे लेटेस्ट कमांड आईपी असाइन करने के लिए यही है, और हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस, वो सारे कमांड तो आपको कभी कभी चेक करना रहेगा लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने के लिए, बट आईपी असाइन करने के लिए आपको NMCLI का यूज़ करते हैं। और ध्यान देना, जब आईपी एड्रेस आपको असाइन करना रहेगा तो आपको क्या करना है, उसमें पहले कनेक्शन नाम जरूर बनाना पड़ेगा। कनेक्शन नेम बाय डिफॉल्ट अगर वर्चुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो तो इनो करके रहेगा, इनो और पुला पुला ऐसे कुछ रहेगा, नंबर कुछ रहेगा, ठीक है, इनो। तो यहाँ पे देखो NMCLI कनेक्शन शो, इससे क्या होता है, कनेक्शन का नाम दिखाता है आपको कौन सा कनेक्शन है। कनेक्शन को अप कर सकते हैं, कनेक्शन को डाउन कर सकते हैं, कनेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। कनेक्शन अगर डिलीट हो गया तो सारी आईपी वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बनेगा, बचेगा, ठीक है ना। तो क्या करना होता है, जब आईपी हमें चाहे कुछ वैसा करना है तो कनेक्शन को डिलीट कर देना रहता है, ठीक है, और अगर वो नहीं चला तो उसको स्टार्ट करना रहता है। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें, कनेक्शन NMCLI डिवाइस स्टेटस, यहाँ से डिवाइस की स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, क्या है वो, अप है, डाउन है, क्या है। NMCLI कनेक्शन शो, उसको एक्टिव करना है, उसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे राइट, और जो भी एक्टिव रहेगा लेटेस्ट में, जो भी एक्टिव है, जैसे मान लो 4-5 कनेक्शन हमने बना रखा, कौन सा उसमें एक्टिव है वो यहाँ पे दिखा देगा आपको, टू चेक द एक्टिव कनेक्शन राइट। NMCLI डिवाइस शो, ईथरनेट के बारे में आपको दिखाएगा, पूरा इंटरफेस के बारे में क्या क्या है, पूरा डिटेल आपको दिखाएगा, ये इनो है कि इथरनेट जीरो है, क्या चीज़ है उसके बारे में, क्या स्पीड है, क्या सब कुछ, सारी डिटेल दिखाएगा यहाँ से। तो ये सारे कमांड यूज़फुल है, प्लीज़ आप नोट डाउन, इसके पहले वाले कमांड अगर आपको याद नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कमांड इसके पहले आपको याद रखना, आईपी स्पेस, ये आईपी चेक करने के लिए। बाकी सारे कमांड अगर आपको याद नहीं है तब भी प्रॉब्लम, लेकिन ये सब तो कमांड आपको याद होना है, याद होना ही है, एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड, चार कमांड, ये सभी कमांड आपको याद होना है। तो प्लीज़ होल्ड द स्क्रीन एंड स्क्रीन शॉट दिस एंड आर एल्स यू नोट डाउन योर डायरी, ओके। ये एक कमांड, दो कमांड, तीन कमांड और ये चार कमांड, अगर ये नहीं याद है तो आप कुछ भी नेटवर्किंग में कर नहीं पाओगे रेड हैट में, ये जान लो, ठीक है। तो ये, और अब इसके बाद हम बात करते हैं आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए, बस सिंपल एक कमांड है और एक लाइन की कमांड है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन का नाम यहाँ कुछ भी दे दीजिए, ये कनेक्शन नेम में कुछ भी आप दे दो, ठीक है, और उसके बाद इफ नेम और ईथरनेट, जैसे आप करोगे जो भी ईथरनेट है इनो करके वो आ जाएगा, फिर टाइप करना है, फिर ईथरनेट देना है, फिर आईपी वर्जन 4 हम देंगे तो ये आईपी एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे कौन सा, अगर क्लास ए दे रहे हैं तो /8 रहेगा, क्लास बी रहें /16 रहेगा, क्लास सी देंगे तो 24 रहेगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो रहेगा ये हम दे देंगे यहाँ पे गेटवे, और इस बस ऐसे हमारा आईपी असाइन हो जाएगा। आईपी असाइन होने के बाद आप कनेक्शन चेक कर सकेंगे यहाँ पे क्या, NMCLI कनेक्शन अप, कनेक्शन नेम जो भी हमने कनेक्शन का नाम दिया उसको अप करना रहेगा, ये भी कमांड आपको याद करना है, ये आईपी एड्रेस कमांड, तो ज़्यादा नहीं 7 या 8 कमांड आपको याद करना है राइट। तो इस कमांड को आप याद कर लीजिए, सो आईपी असाइन करने के लिए ये कमांड आपको याद करना पड़ेगा NMCLI का। थोड़ा बड़ा लंबा लेंदी प्रोसेस दे दिया है और लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पे देखिए NMCLI कनेक्शन को अप करना और कनेक्शन को डाउन करना, NMCLI कनेक्शन डाउन, NMCLI कनेक्शन को डिलीट करना, ये सारी चीज़ें, और इसके बाद कनेक्शन को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं, अप या डाउन रहेगा और या तो डिलीट रहेगा, और कनेक्शन ऐड करने के लिए तो यहीं पे आप चाहो केवल कनेक्शन बनाना है तो NMCLI कनेक्शन ऐड, कनेक्शन नेम दे देंगे तो केवल कनेक्शन पहले बन जाएगा, उसके बाद अब उसमें आईपी असाइन करोगे। तो ये कमांड जो है एक ही में दोनों है, कनेक्शन बन भी जाएगा और कनेक्शन उसमें आईपी एड्रेस भी असाइन हो जाएगी। तो इस कमांड को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल 8 या 10 कमांड हैं, इनको आपको याद करके रखना रहेगा। तो चलिए इनको मैं कंप्यूटर में असाइन करके और मैं आपको दिखाता हूँ, सारे कमांड को हिट करके मैं दिखाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो गाइस, ये हम लिनक्स कमांड बॉक्स पे आ गए हैं और हम देखते हैं इसमें आईपी एड्रेस के बारे में। सबसे पहले आईपी और ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखो आईपी का स्टेटस दिखाएगा, फिलहाल कोई आईपी एड्रेस इसमें
नहीं है, लूप बैक आपको दिखाएगा। ओके तो हमें आईपी करने के लिए सबसे पहले कनेक्शन चेक करते, कनेक्शन है क्या इसमें। तो कनेक्शन चेक करने के लिए NMCLI कनेक्शन शो, ये कमांड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन शो, यहाँ पे कौन सा कनेक्शन, बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन है वर्चुअलाइजेशन का इनो करके देखिए ये कनेक्शन दिखा रहा है, और डिवाइस यहाँ पे नहीं कोई है। ठीक है तो हमें बनाना है, अब डिवाइस देखना, देखने के लिए कमांड है, अगर हमें देखना है इसके बारे में टोटल सारी इन्फॉर्मेशन देखना है तो इसके लिए कमांड हम देते। सबसे पहले मैं आईपी एड्रेस असाइन करके आपको मैं दिखाता हूँ, और अगर आपको देखना है डिवाइस के बारे में देखना है, डिवाइस का स्टेटस देखना है, तो यहाँ पे हम कमांड देते हैं NMCLI, पूरा NMCLI पे निर्भर है जान लेना, NMCLI कनेक्शन, NMCLI कनेक्शन है, डिवाइस देखना हमें डिवाइस डेव और स्टेटस, स्टेटस इसका दिखाएगा अभी फिलहाल कोई, यहाँ लूप बैक यहाँ दिखा रहा है आप देख लो, यहाँ पे कनेक्शन कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं है। ओके तो कनेक्शन बनाएंगे उसके बाद ये दिखाएगा। ओके और NMCLI कनेक्शन शो करेंगे तभी दिखाएगा, और इसके बाद जो है एक्टिव देखते हैं हम, NMCLI कनेक्शन शो एक्टिव हाइफन हाइफन ये लिख दीजिए, एक्टिव दिखाएगा कोई कनेक्शन एक्टिव है, नो देयर इज नो कनेक्शन एक्टिव। ठीक है अब मैं आईपी एड्रेस असाइन करके आपको दिखाता हूँ, कनेक्शन भी साथ में बन जाएगा और आईपी एड्रेस भी असाइन हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्लियर द स्क्रीन कर देते हैं यहाँ पे, और चलिए NMCLI कनेक्शन एड कनेक्शन नेम, और कनेक्शन का नाम सिंपली हम दे देते हैं ईशान, कनेक्शन का नाम ईशान दे दिया, स्पेस कनेक्शन नाम कुछ भी दे दीजिए आप, जो मर्जी यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है तो मैंने जस्ट यहाँ पे कनेक्शन नेम क्या दे दिया, ईशान दे दिया, फिर हमें टाइप करना है इफ नेम, फिर हमें टाइप करना है ईथरनेट जो भी है इसके अंदर, ई लिख के एंटर कर दो तो ईथरनेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। ओके इनो करके रहता है, वर्चुअलाइजेशन में यूज़ करोगे तो इनो रहेगा, और अगर आप डायरेक्ट डेस्कटॉप में यूज़ करेंगे तो ये ईथरनेट ETH 0 रहेगा। ओके ये हो गया, ईथरनेट आ गया, और इसके बाद हमें टाइप करना है यहाँ पर टाइप और ईथरनेट ETH, यहाँ पे ईथरनेट आ जाएगा, और इसके बाद IP राइट, हम ईथरनेट में क्या दे रहे हैं IPv4 IPv4 दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम IP4 लिखना है। ओके स्पेस कौन सी IP असाइन कर रहे हैं, हम दे रहे हैं 20.0.0.1/8, अगर क्लास A रहेगा तो /8 रहेगा, क्लास B रहेगा तो /16 रहेगा राइट, और इसके बाद हमें देना है डिफ़ॉल्ट गेटवे, और उसके लिए हमें टाइप करना है GW4 गेटवे। ओके 4 लिख रहे हैं क्योंकि आईपी वर्जन 4 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम गेटवे दे देते हैं 20.0.0.0 ये दे दे रहे हैं। ठीक है राइट ये गेटवे हो गया हमारा, बस सिंपली हम प्रेस करेंगे एंटर, और नाउ यू कैन सी कनेक्शन ईशान सक्सेसफुली एडिट। ओके अब हम कनेक्शन देखेंगे NMCLI कनेक्शन शो, तो आपको कनेक्शन दिखेगा यहाँ पर, ये कनेक्शन डिवाइस के नीचे आपको ये दिख रहा है, और यहाँ पे नेम क्या दिख रहा है ईशान। ओके अब हम एक्टिव देखते हैं NMCLI कनेक्शन शो, और एक्टिव कौन सा कनेक्शन है वो दिख रहे हैं, तो यस ईशान इज एक्टिव कनेक्शन, इसके पहले आपको नहीं दिख रहा था राइट। तो अब मैं क्या करता हूं NMCLI कनेक्शन अप करते हैं, अब तो है ऑलरेडी क्या ईशान राइट, अप है ऑलरेडी ये राइट सक्सेसफुली अप है, इसको डाउन करके दिखाता हूं मैं आपको, तो अभी तो क्या दिखाएगा NMCLI कनेक्शन शो एक्टिव दिखाई दे रहा है राइट, अगर हम डाउन कर देते तब क्या होगा देखिए NMCLI कनेक्शन डाउन, और क्या ईशान को डाउन कर देते हैं,
अब देखिए क्या हो गया, NMCLI कनेक्शन शो, और क्या एक्टिव, कोई कनेक्शन एक्टिव नहीं है क्योंकि जो कनेक्शन हमने बनाया था इचानो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। तो जो हमने आईपी असाइन किया वो भी जा चुकी है, वो आईपी भी नहीं मिलेगी आपको, पिंग भी नहीं होगा ये। ओके तो अब हम अप करके देखते हैं अप होता कि नहीं। तो इसके लिए कमांड है NMCLI कनेक्शन अप, क्या ईशान, कनेक्शन अप हो गया है। अब देखें फिर से हम शो करके एक्टिव है कि नहीं, तो NMCLI कनेक्शन क्या शो एक्टिव, यस एक्टिव हो गया। अब इसके अंदर आईपी चेक करते हैं, आईपी हमने डाला आईपी ए, यस आईपी 20.0.0.0.1 दिखाई दे रहा है, इसको हम पिंग करके देख लेते हैं, पिंग 20.0.0.1, यस इट्स सेल्फ पिंगिंग राइट। तो परफेक्टली राइट, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ पर। इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी, स्टॉप हो जाता है जब भी। ओके तो गाइस ऐसे हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, कनेक्शन को डिलीट करना है अगर तो ये कनेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी हम कनेक्शन को नहीं डिलीट कर रहे हैं, फिलहाल रख रहे हैं ईशान वाले कनेक्शन को यहाँ पे। अब मैं अपने दूसरे कंप्यूटर पे चल रहा हूँ और वहाँ पे आईपी असाइन करके आपको दिखाता हूँ। दूसरा मशीन है देखिए, लिनक्स 2 मशीन है, और इसलिए कि दोनों मशीन को हम पिंग करके आपको दिखाएंगे कि नेटवर्किंग में है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम कनेक्शन को डिलीट करके भी दिखा देंगे आपको। चलो द सेम कमांड यहाँ पे NMCLI, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखेगा, विजिबल रहेगा ये, जूम इन कर लेते हैं, इनको हम ऊपर कर लेंगे और व्यू में एक बार और जूम इन, यस नाउ यू कैन सी राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, CLR क्लियर द स्क्रीन, NMCLI कनेक्शन शो, और बस देखिए कोई कनेक्शन है, कोई कनेक्शन बना तो है, ICNT करके हम डिलीट कर देते हैं। पर अभी यहीं पे डिलीट करना मैं दिखा देता हूँ, फिर से मैं नया बनाऊंगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ एक्टिव कनेक्शन देख लेते हैं, तो उसके लिए क्या है, NMCLI कनेक्शन शो और एक्टिव, यस ICNT एक्टिव है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, डिलीट करना है, तो NMCLI कनेक्शन डिलीट, और क्या ICNT, ये लो भाई ये डिलीट हो चुका है, NMCLI कनेक्शन शो और एक्टिव। यहाँ पे देखते कोई कनेक्शन एक्टिव, नो दे नो कनेक्शन बिकॉज आई हैव डिलीटेड दैट, ओके विच कनेक्शन वॉज क्रिएटेड दैट वॉज डिलीटेड, ओके राइट। नाउ दे नो कनेक्शन इन दिस मशीन, ओके NMCLI कनेक्शन शो, कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए अब हम कनेक्शन बनाएंगे और उसमें आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, एक लाइन का कमांड हम देने जा रहे हैं, फिर से चेक करिए, NMCLI कनेक्शन ऐड कनेक्शन नेम, और यहाँ पे हम कनेक्शन नेम देने जा रहे हैं ICNT स्पेस इफ टाइप, इफ के बाद हमें क्या देना है, इफ नेम, और इसके बाद क्या देना हमें, ईथरनेट जो भी इनो आ जाएगा, फिर क्या देना हमें टाइप, और इसके बाद देना हमें ईथरनेट ए, और उसके बाद क्या देना हमें IP 4 स्पेस, यहाँ पे हम देते हैं 20.0.0.2, उस मशीन में हमने 1 दिया है, यहाँ पे मैं 2 दे रहा हूँ, और उसके बाद हम पिंग करके दिखाएंगे आपको, और /8 क्योंकि क्लास 1 आईपी है, और उसके बाद GW4 गेटवे क्या रहेगा 20.0.0.0, ये दे दिया एंटर, ये लीजिए बन गया NMCLI कनेक्शन शो, NMCLI कनेक्शन शो एक्टिव कनेक्शन देख लेते हैं, यस राइट। तो सब कुछ सही है राइट। अब इसको हम आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, इसका आईपी ए राइट, देखिए 20.0.0.2 ओके। अब इस मशीन से उस मशीन को हम पिंग करके देखते हैं, तो क्लियर द स्क्रीन करिए, पिंग उस मशीन का आईपी क्या है 20.0.0.1 उस मशीन को, यस इज गॉट पिंगिंग, वी आर सक्सेसफुली डन राइट। तो लाइक दैट वी कैन डू, एंड नाउ लेट्स गो टू दैट मशीन लिनक्स 1, यू कैन सी हियर
दो मशीन है हमारे पास, ये लिनक्स 2, लिनक्स सर्वर 2 पे मैंने अभी ये असाइन दिया, यहाँ से मैं पिंग किया क्या 20.0.0.1 मतलब इस मशीन को। अब मैं इस मशीन पे आके और उस मशीन को पिंग करता हूँ, यहाँ से देखिए, तो CLEAR यहाँ देखिए पिंग 20.0.0.2 IP को हम पिंग करते हैं, ये लीजिए ये भी पिंग हो रहा है, मतलब दोनों दोनों कंप्यूटर आपस में नेटवर्क में आ चुका है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नेटवर्किंग में हम रेड हैट में नेटवर्किंग कैसे करते, कैसे IP असाइन करना, IP असाइन करने से पहले आपको कनेक्शन बनाना है, डिवाइस बनाना है, उसको शो करके देख सकते हैं एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव करना है तो अप करना है, डाउन करना है कुछ समय के लिए, रोकना है नेटवर्क को तो डाउन करके रख दीजिए नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा, डिलीट परमानेंटली कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे अगर हमें ये कनेक्शन की अगर स्टेटस देखनी है तो उसको स्टेटस देख सकते हैं, उसके बारे में पूरा ब्रीफ देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल से, राइट। तो बस ये 10 कमांड आपको हमेशा याद रखना है, और भी इसके अलावा बहुत सारे कमांड इसमें, इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल और ये सभी स्लोली एक एक करके आप चेक कर सकते हैं, सारा चेक किया हुआ कमांड है। तो इस सेशन में बस इतना ही।